मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आज कक्षा प्रथम, कक्षा वर्ग फर्स्ट, क्लास वन के बच्चों को मैं चैप्टर टू आम की टोकरी के बारे में बताऊंगी। चैप्टर आम की टोकरी एक कविता है जिसे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और सुनाते हैं। आपकी क्लास में ये चैप्टर टू नहीं, चैप्टर थ्री है। चैप्टर थ्री आम की टोकरी, ठीक है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, एक 6 साल की लड़की है जो आम की टोकरी में आम को भरकर लाई है। क्या लाई है? आम को क्या करने के लिए लाई है? टोकरी में है आम, है नहीं बताती दाम है। टोकरी में आम ली हुई है लेकिन किसी को वो दाम नहीं बता रही है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। छोकरी का मतलब यहाँ पे लड़की होता है, ठीक है। हम लोग ग्रामीण भाषा में या उसको कहा जाता है मैथिली भाषा में छोकरी कहा गया है, यानी कि ग्रामीण भाषा में हम लोग इसका उपयोग तो नहीं करते हैं लेकिन यह भाषा होता है। छोकरी का मतलब लड़की। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, यानी कि आम को दिखाकर टोकरी में हम बच्चों को पास में बुलाती है। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। हमको आम देती है लेकिन हम नाम नहीं बुलाती है, मतलब बिना नाम बताए। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना, यानी कि उस छोकरी का, उस लड़की का नाम हमें नहीं है पूछना बल्कि सिर्फ आम है हमें चूसना। यह कविता आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इसे याद भी करना है। याद करना इसलिए है कि आपकी जब परीक्षा होगी तो इस कविता को आपको लिखना है अपने से याद करके। इसे याद भी कीजिएगा, नोट कॉपी में इसको लिखिएगा भी, ताकि शुद्ध और सही लिख सके। यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है, मैं आपको बताई हूँ। दाम का मतलब कीमत होता है, छोकरी का मतलब लड़की, टोकरी का मतलब लकड़ी के बांसों को काट कर एक गोल आकृति दिया जाता है जिसमें सामान रखकर लोग बेचते हैं, फल सब्जी इत्यादि। यह लड़की सिर पर क्या लेकर जा रही है? देखिए, आपके बुक में एक लड़की का चित्र दिया हुआ है जो हाथ ऊपर की हुई है लेकिन उसके ऊपर टोकरी नहीं है। आपको कलर करके एक टोकरी बनाना है, उसमें क्या रखना है? आम बना के रखना है। चलिए, आप इस चैप्टर को याद कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में चैप्टर 4 पत्ते ही पत्ते हम लोग पढ़ेंगे और आनंद लेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।